दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों शादीशुदा महिलाएं ऐसी नथनी जरूर पहने, पति की किस्मत चमक जाएगी। कैसी नथनी पहने आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों प्लीज आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सनातन धर्म में महिलाओं के 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। जब भी किसी महिला की शादी होती है तो उसे सर से लेकर पांव तक सजाया जाता है। इस 16 श्रृंगार में नाक की नथ का भी एक अहम स्थान है। दोस्तों नाक की नथ को किसी भी महिला के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाक की नथ को आप किस प्रकार से पहनती हैं? इसका भी आपके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कई महिलाएं नाक में नथ पहनना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको नाक में नथ पहनने के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदे बताएंगे कि आप इसे रोजाना पहनेंगी। साथ ही इस नाक की नथनी को लेकर आज हम कुछ दिलचस्प बातें भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी तरह से समझना। चलिए बताते हैं अब आपको नाक की नथनी के बारे में जरा विस्तार से। दोस्तों पहला पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को हमेशा नाक में नथ बाईं ओर पहननी चाहिए। इस सही जगह पर नथ पहनने से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अधिक पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, नाक की बाईं तरफ नथनी पहनने से महिलाओं को प्रजनन संबंधित दिक्कतें भी नहीं आती हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट, जिन महिलाओं की शादी नहीं हो रही है उन्हें नाक में गोलाकार यानी छल्ले की आकृति वाली नथनी पहननी चाहिए। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की नथनी पहनने से महिलाएं बहुत अधिक सुंदर लगती हैं। ऐसे में पुरुष इनकी ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जिन महिलाओं की शादीशुदा जिंदगी में रोमांस खत्म हो गया है उन्हें भी इस प्रकार की नाक की नथनी पहनना चाहिए, इससे उनके पति उनकी ओर आकर्षित होंगे। दोस्तों तीसरा पॉइंट, आपको जानकर हैरानी होगी कि नाक में नथनी पहनने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल नाक की एक नस का सीधा संबंध महिलाओं के गर्भाशय से होता है। ऐसे में नाक में नथनी पहनने वाली महिला को गर्भाशय के दौरान कम दर्द सहन करना पड़ता है। बस इतना ध्यान रहे कि आपने ये नथनी नाक के बाईं ओर पहनी हो। अगला पॉइंट है, किसी महिला को कभी भी अपनी नाक की नथनी को गंदा नहीं होने देना चाहिए। इस नथ को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जो महिलाएं नाक की नथ को गंदा रखती हैं उसका सीधा असर उनके पति पर पड़ता है। दरअसल वास्तुशास्त्र और चाणक्य की नीति के हिसाब से नाक में लगी नथनी के साफ सुथरा ना होने से पति का दुर्भाग्य आता है और उनकी तरक्की में बाधा आती है और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, नाक में नथनी पहनकर सोने से अच्छी नींद आती है। कई महिलाएं सोने से पहले नाक की नथनी निकाल देती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नाक की नथ का संबंध आपकी नींद से भी होता है। ऐसे में इसे पहनकर सोने से आपको अच्छी नींद भी आएगी। और दोस्तों अंतिम पॉइंट है, नाक में लाल रंग की नग वाली नथनी पहनने से पति की किस्मत चमक जाती है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसी नथनी पहनने से पति मालामाल हो जाता है। ऐसा करने से उसका भाग्य प्रबल होता है और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए अगर आपके पति के दिन खराब चल रहे हों तो उस दौरान बीवी को नाक में
लाल रंग की नग वाली नथनी धारण कर लेना चाहिए। इससे पति की किस्मत चमक जाएगी और उसके जो बुरे दिन चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर आप ऐसा करेंगी तो यकीन मानिए आपके पति की किस्मत चमक जाएगी और आपके पति दोनों मालामाल हो जाएंगी। तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।